जोहार, नमस्ते। आज कुछ हम अलग ही दिख रहे होंगे शायद। जो मेरा वीडियो हमेशा देखता होगा वो हम जरूर नोटिस कर रहे हो कि आज लक्ष्मी कुछ अलग ही दिख रही है, क्योंकि हर वीडियो ब्लॉग में मेरा लुक कुछ अलग होता है और आज का लुक कुछ अलग है। कुछ अलग ही नहीं लग रहे हैं? देखिए, इसीलिए बोलते हैं कभी कभी मार्क किया कीजिए कि कौन कैसा दिख रहा है, कौन कैसा। आज हम ये लुक पाने के लिए इंसान तरस जाता है, बोला जाए तो। हर किसी के नसीब में इतना ऐसा समय नहीं आता जो आज मेरे लाइफ में आया है। हो चाहते तो हम इंतजार कर सकते थे, कल हम ब्लॉग बना सकते थे। अभी बज रहे होंगे 9, तो हम सोचे नहीं, और इंतजार नहीं होता, और हम न, आप लोग से बात कर लेते हैं, इसीलिए हम सोचे चलो ब्लॉग कर लेते हैं। तो बोला जाए तो इतना खुशी का यानी खुशी का न्यूज है, यानी खुशखबरी है बोला जाए तो। और हम कैसे हम आपको बताएं, बोलना चाहते हैं फिर भी हम सोचते नहीं, आप लोग को थोड़ा सस्पेंस रखे, इतना जल्दी आप लोग को बताएंगे नहीं, थोड़ा इंतजार कीजिए। आप लोग हमेशा मेरा वीडियो को देखा कीजिए, खुशखबरी जल्दी ही हम वो खुशखबरी आप लोग को सुनाएंगे, क्योंकि बहुत जल्दी ही वो सक्सेस होने वाला है। इसीलिए आप लोग हमेशा मेरा ब्लॉग में बने रहिए, वीडियो देखा कीजिए, बस मैं यही चाहती हूँ। और मेरा कहने का अर्थ है कि जो मन से खुश होता है, दिल दिल से खुश होता है, अंदर से खुश होता है, वो उसको दिखाने की जरूरत नहीं है, बस अपने आप ही नजर आता है। जब हम खुश होते हैं ना, अंदर से खुश होते हैं, जब दुखी भी होते हैं ना, अंदर से दुखी होते हैं। मेरा दिखावा कभी नहीं होता कि हम दिखावा का ना रोते हैं, ना दिखावा का हंसते हैं, ना दिखावा का कुछ करते हैं। जो मेरा होता है रियलिटी ही होता है। हम खुश भी होते हैं, अंदर से खुश होते हैं, दुख भी होते हैं, अंदर से गुस्सा भी होते हैं, अंदर से ही होते हैं। यानी हर चीज मेरा रियल दिखा होता है, दूसरों के जैसे नहीं। अंदर में गुस्सा, बाहर में प्यार, वैसा मेरा नहीं है, ऐसा मेरा नहीं है, बस जो है रियलिटी हम मेरा है ही वैसा। तो हम जब खुश रहते हैं ना, तो बस सजना संवरना शुरू कर देते हैं, पता नहीं क्यों ज्यादा ही खुश हो जाते हैं, यानी मेरे चेहरे पे नजर आ जाता है खुश है। तो मेरे बच्चे भी पूछने लग जाते हैं, मम्मी आज क्या बात है, इतने खुश नजर आ रहे हैं, आज इतना मेकअप कर रहे हैं। इसके पापा भी पूछने लग जाते हैं, क्या बात है, आज कुछ अलग ही लग रही है, आज मेकअप इतना की है। तो बात वही है, आज हम कुछ ज्यादा ही खुश है, इसलिए हम कुछ ज्यादा ही मेकअप कर लिए। देख रहे होंगे साड़ी वगैरह पहने हैं, चूड़ी वगैरह पहने, बिंदी, लिपस्टिक, कान का और बहुत कुछ। हर ब्लॉग में देखे होंगे, सिंपल ही रहे होंगे, ज्यादा कुछ हम मेकअप नहीं करते हैं। बस वही खुशखबरी आने वाला है, जल्दी ही आएगा और हम आप लोग को जरूर बताएंगे, छुपाएंगे नहीं। बस आप लोग हमेशा मेरे, बस यही एक दुख लगता है कि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। थोड़ा कमेंट किया कीजिए ना, हम दे हमको भी अच्छा लगे कि हाँ आप लोग कुछ कमेंट कर रहे हैं। कुछ ना से ही जो ये ठेंगा जो ठेंगा बोला जाए तो, इसको क्या बोलते हैं, अंगूठा, अंगूठा होने से दिखा दीजिए। अंगूठा का मतलब दो तरह का होता है, लाइट भी होता है, ये ठेंगा भी दिखाना होता है। अब आप ठेंगा दिखाइए या लाइक दिखाइए, कुछ भी दिखाइए, हमको तो लगेगा कि हाँ लाइक के लिए ये क्या है बोलते हैं, अंगूठा दिखा रहे हैं। पर आप लोग ठेंगा दिखाइए, लाइक दिखाइए, कुछ भी दिखाइए, पर दिखाइए ऐसा करके ही कमेंट में दिखाइए। बस हाँ,
आज बहुत कुछ बोल लिए हैं जैसा लग रहा, इतना हम कुछ बोलते नहीं है, बस कभी कभी यार जब मन से खुश होते हैं ना बहुत बोलते हैं, तो सबको पता चल जाता है कि क्या बात है, आज लक्ष्मी बहुत ज़्यादा ही खुश है, ज़्यादा ही बोल रही है। बस जब हम खुश होते हैं ना, अंदर से खुश होते हैं, दिखावा नहीं होता मेरा, बस खुश रहो तो पूरा नजर आए कि इंसान बहुत खुश है, ऐसा होना चाहिए। और मेरा कहना है कि और जिसके सर में बड़ों का आशीर्वाद हो, पूर्वजों का आशीर्वाद हो, वो कभी दुखी नहीं रह सकता, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है बोला जाए तो, कुछ नहीं बोला जाए तो, ना बैंक बैलेंस है, धन दौलत है, ना गाड़ी बंगला, कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है बोला जाए तो, खाली हाथ है, खाली हाथ। अगर कोई बोल दिया ना तुम्हारा क्या है, हम नहीं बोल सकते कि मेरा कुछ है, हम मेरे पास कुछ नहीं है, हम बोल सकते हैं क्योंकि मेरा मेरे नाम का कुछ नहीं है, मेरा कुछ है ही नहीं। बस वही, अगर मेरा कुछ होता, मेरे नाम का है, हम कमाए होते, हम मेरा इनकम होता, मेरा कुछ यानी मेरे बलबूते होता, तो हम बोलते कि हाँ ये मेरा है, हक से हम बोल सकते ये मेरा है। जो चीज़ मेरा नहीं है तो हम बोल सकते ना मेरा नहीं है, इसमें झूठ बोलने का क्या बात है कि झूठ मूठ नहीं हक जमाना कि ये मेरा है मेरा है। जो चीज मेरा नहीं उसमें हम हक जमाते ही नहीं है, और जो चीज मेरा है वो दूसरों को भी हम हक जमाने नहीं देते, वो बात है। मेरे लक्ष्मी जो है अपना चीज को कभी छोड़ती नहीं है, दूसरा का कभी कुछ लेती नहीं है, बस ये याद रखा कीजिए। हाँ, ये बात नोटिस करके रखिए, लक्ष्मी वो है जो किसी दूसरों का लेती नहीं है और अपना छोड़ती नहीं है, अपना तो हम जैसे करके भी लेके रखे अगर मेरा हो, ऐसा बात है। बस और क्या, ठीक है, आप लोग हमेशा मेरा ऐसे ही सपोर्ट बनाए रहिए, हमेशा मेरा वीडियो देखा कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इंतज़ार कीजिए। इंतज़ार का फल बोला जाता है मीठा होता है, सड़ने नहीं देंगे, सड़ने तो बिल्कुल भी नहीं देंगे, क्योंकि इतना साल हम रह चुके हैं कभी हम सड़े नहीं, तो आप लोग तो अभी तुरंत है तो सड़ने को तो हम देंगे ही नहीं। इंतज़ार कीजिए, फल मीठा जरूर होगा, इंतजार का फल मीठा होता है। तो बस आज के लिए इतना ही, बहुत बोल लिए ना, बकर बकर बोल दिए, क्या करें, कभी कभी बोल लेते हैं और कभी कभी एकदम चुप रह जाते हैं, कुछ बोलते नहीं है। ठीक है, बहुत रात हो गया है, रात भर आपको नींद नहीं आएगा, कब मेरा इंतजार का इंतजार खत्म होगा वही हम सोचेंगे, और आप लोग को हम कब गुड न्यूज़ बताते हैं, इंतजार कीजिए। और बस मेरे लिए हमेशा सपोर्ट करते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बस यही हम आपसे चाहते हैं। धन्यवाद।